जो यहाँ पर अजमेर में एसपी ऑफिस के पास में जो कमरे हैं, जो जगह है, जो अवेलेबल है हमारे पास में, उसकी पिछले 5-10 वर्षों में जो नई नई ब्रांचेस खुली हैं और जो नया टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान आया है, साथ ही विमेन सेल खुली है, एसटी सेल खुली है। तो पिछले कुछ वर्षों में लगातार बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि एसपी ऑफिस में बढ़ी है, पर हमारे पास में रूम्स की बहुत समस्या है। हमारे कर्मचारी लगातार ये बता रहे हैं आकर के कि सर हमें बैठने के लिए जगह नहीं है, बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से वो बैठ पा रहे हैं, रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं है। मैं वही देखने गया था, ये कोई ऑफिशियल निरीक्षण नहीं था, सिंपल चेक कर रहे थे। अब उसके बेसिस पर एक प्रपोजल भिजवाएंगे हम ताकि यहाँ पर या तो रूम्स नए बन सकें या फिर कोई और व्यवस्था हो सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सभी कर्मचारी जो हैं वो बैठने के लिए कम से कम उन्हें उचित जगह मिले ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाएँ। इतनी सी बात। कलेक्टर साहब से भी बात करें? हाँ, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, बाकायदा हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस प्रमिसेस में अगर कोई छोटा सा कैंपस बन सकता हो या फिर कोई और तरीका निकल सके, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी नई सेल्स खुल रही हैं उन सेल्स के जो कर्मचारी हैं वो अगर ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए चेयर और टेबल्स की दिक्कतें हैं, चेयर टेबल लगाने की जगह नहीं है इनफैक्ट, तो निश्चित रूप से कुछ समाधान किए जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।